हम यहाँ जमा हुए हैं और हम कौन हैं ये बताने के लिए मैंने कुछ अशार नज़म के लिखे हैं। हम सब मिलकर ये अशार को पढ़ेंगे और महसूस करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, ना हम जाहिल हैं ना हम भक्त हैं, सुन ले जालिम क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम सब जिस्म अलग जान एक है, हम सब जिस्म अलग जान एक है, साथ रहते थे साथ रहेंगे और क्योंकि हम हिंदुस्तानी है। इस देश की गोद में हिंदू भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है और सिख भी है। इस देश के गोद में हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है। सहारे हैं हम एक दूसरे के क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। सहारे हैं हम एक दूसरे के क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। ना हमें तुम तोड़ सकते हो ना हम टूट सकते हैं, ना हमें तुम तोड़ सकते हो ना हम टूट सकते हैं क्योंकि हम सब यहाँ हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हम सब यहाँ हिंदुस्तानी हैं। मगर हिंदुस्तान के दस्तूर में बदल किसी को बदलने नहीं देंगे क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। ना उस वक्त छोड़े थे ना अब छोड़ेंगे इस हिंदुस्तान को, ना उस वक्त छोड़े थे ना अब छोड़ेंगे इस हिंदुस्तान को। उस वक्त भी हम साथ थे, इस वक्त भी हम साथ हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। इंकलाब लाए थे और इंकलाब लाएंगे, सुन लो लोगों, इंकलाब लाए थे और इंकलाब लाएंगे, सुन लो ए लोगों, हम अलग नहीं एक है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। शुक्रिया था। एक स्लोगन मैं देता हूं, यह उस्मानिया यूनिवर्सिटी पूरा देश के लिए नहीं, यह मुसलमान के लिए नहीं है, यह पूरा देश के लिए है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। जैसे यह एनआरसी मूवमेंट मुसलमान का नहीं है, यह पूरा देश का है। मोदी से, अमित शाह से, हिंदुत्ववाद से, ब्राह्मणवाद से। एक मिनट भैया, माय प्लीज लिसन हियर प्लीज, यू आर ऑल द स्टूडेंट्स, आई प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। एक डिग्री मोदी का डिग्री क्या है भैया? भैया प्लीज कोऑपरेटिव। वो हर एक को चट्टी का यूनिफॉर्म पहनाना चाहती है। हम कहते हैं कि मुल्क ऐसा नहीं बनता, मुल्क तो ऐसा नहीं बनता, गैंग जरूर बनते हैं और हिंदुस्तान को ये चोर गैंग जो है उनको कब्जा करने से हम रोकेंगे और ये रोकना
सिर्फ सियासतदानों का काम नहीं है, उन पर से तो हमारा भरोसा उठ गया।